अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। दुनिया का दस्तूर है ये, जिसे तुम टूट कर चाहोगे वो तुम्हें तोड़ कर जाएगा। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, जो मैं था वो मैं रहा नहीं और जो मैं हूँ वो किसी को पता नहीं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर किसी की आदत देखना है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखना है तो उसे आजादी दो। मुझे पता है कि ये ख्वाब झूठे और ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी है। अगर रखना ही है तो आगे कदम रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ही ना। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होगा। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे की ओर देखता ही कौन है। अगर पूरी दुनिया जीतकर भी माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से। याद रखना कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ पर नसीब को भी झुकना पड़ता है। याद रखना कि ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। क्यों घबराते हो तुम दुखी होने से? जिंदगी की तो शुरुआत ही हुई है रोने से। याद रखना कि ये वो जमाना है जिसमें आप जिसके जितनी ज्यादा परवाह करेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा बेपरवाह होकर मिले। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपसे वादे तो नहीं करते लेकिन बहुत कुछ निभा जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से जुड़े होते हैं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो पूरा का पूरा खूबसूरत शरीर छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। सुना है जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं। ओ भाई साहब, सही तो यूएमपी हेड लगा रहे हैं भाई साहब। एम जा रहा है वो सीधा हेड पे जा रहा है इसका। आप यूएमपी चलाना, अच्छी चलती है ये वाली जो फ्री में मिल रही है सबको। और जितने भी मेंबर वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दो। और पूजन कर लिया हमने, इतने चलो देखते हैं। चलो तो भाई साहब 15 किल। और जिस चलो अन करते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर ले लो।